next topic is continuous distribution of charge. ये जो टॉपिक है ये अपने आप दे विच थोड़ा जा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ऐसी चार्ज के बारे पढ़िया सी कि चार्ज जड़ा है वो क्वांटाइज्ड होंगे या क्वांटाइज्ड मीन्स डिस्क्रीट, एक दो तीन चार पाँच चार्ज जड़ा है वो इदा ही गिनिया जाता है। तो हूँ असी टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो इस चीज़ का की मतलब है? असी पुराने आर्टिकल्स कर चुके हैं कि चार्ज किदां दी चीज़ है, क्वांटाइज्ड, ये पानी के गुब्बारियां दी तरह है ना कि पानी दी तरह। पानी की है कॉन्टीन्यूअस, पर चार्ज की है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं सी। बट नाउ वी आर स्टडिंग कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पहली गल इस आर्टिकल की जरूरत ही की है, जदों कि चार्ज का असली नेचर डिस्क्रीट है, क्वांटाइज्ड है। सो जस्ट सी व्हाट इज द नीड। सी वी हैव डन दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। टेक वन एग्जाम्पल, सो लेट चार्ज ऑन सम मटीरियल, लेट अस से एनी रॉड, व्हेन इट इज रब्ड विद सम सिल्क मटीरियल, चार्ज ऑन दैट रॉड कम्स आउट टू बी 10^-6 कूलम। किसी रॉड में जो असं मान लो कपड़े नाल रब करते हैं, वो इन्ना अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाता है 10^-6 कूलम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन फॉर्मूला, सानू चार्ज पता है किन्ना है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। असी ये देख सकते हैं कि किन्ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या किन्ने नंबर ऑफ चार्जेस जड़े ने वो ट्रांसफर हुए हैं। सो एन इज इक्वल टू 10^-6 अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ 1e, दैट इज 1.6 × 10^-19। सो ये वैल्यू किन्नी आ जाएगी, 6.25 × 10^12। इफ नाउ आई जस्ट रिमूव दिस फैक्टर एंड पुट ऑल द जीरोज इनसाइड दिस 6.25, द एन कम्स आउट टू बी सच अ लार्ज नंबर। सो चार्ज ग्लास रॉड हैज सच अ बिग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सानू पता है क्योंकि चार्ज ग्लास रॉड से जो असं सिल्क क्लॉथ नाल रब करते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है, इहदा मतलब की है कि उहदे इन्ने नंबर ऑफ जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स ने वह ट्रांसफर होकर किधर चले गए, ग्लास रॉड वाल। सो दिस इज जस्ट अ वेरी लार्ज नंबर दैट यू कैन नॉट काउंट इट। तुसी इन्ने वड्डे नंबर नूं काउंट नहीं कर सकते। तो जदों एक डिस्क्रीट नंबर बियोंड काउंटिंग चला जाता है तो आपां उन्नू की लेना शुरू कर दिंदे आ, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूअस। इंदी एक छोटी जी एग्जाम्पल है कि तुहाडे कोल मन लो 10 कैंडीज ने। आपां एग्जाम्पल ले लैंदे आ कि आपां चीनी दे डलियां नूं, चीनी कई वारी मिश्री दीआं छोटीआं छोटीआं डलियां होंदीआं ने, तुहाडे कोल 10 डलियां ने, 10 कैंडीज ने, तुसीं उहनां नूं काउंट कर सकदे हो, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 10। मान लो वो जिहड़ियां टॉफियां जां वो मिश्री दीआं डलियां ने, उहनां दा नंबर इन्हां नंबर ऑफ चार्जिस दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे बराबर हो जांदा। सो लेट अस से तुहाडे कोल जिहड़ियां कैंडीज ने उहदा नंबर 10^12 है। हुण 10^12 इज सच अ लार्ज नंबर कि तुसीं बैठ के उहनां नूं काउंट नहीं कर सकदे। सो उस टाइम तुसीं उस मिश्री नूं या चीनी नूं गिणन की बजाय की करते हो, तुसीं उहनूं तोलदे हो, मीनस तोलदे या मापदे आपां किस चीज़ नूं जिहनूं असीं कॉन्टीन्यूअस लैंदे हां। तां जदों कोई डिस्क्रीट चीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर जाए तो आपां उस डिस्क्रीट मटीरियल नूं काउंट करन की बजाय की करते हैं, उहनूं कॉन्टीन्यूअस मन के आपां उहनूं उस तरीके नाल ट्रीट करते हैं जिवें आपां कॉन्टीन्यूअस चीज़ां नूं ट्रीट करते हैं। जिवें असीं पानी या दुध नूं की करते हैं, तोलते हैं जां उहदा वॉल्यूम लैंदे हैं, उसे तरीके नाल असीं चीनी नूं की करते हैं, फिर तोलते हैं, असीं उहनूं गिणदे नहीं गे, हालांकि चीनी की है डिस्क्रीट है, ठीक है। सो जस्ट रीड दिस पैराग्राफ दैट व्हेन यू हैव 10 कैंडीज यू कैन काउंट दैम, मीन्स दे आर डिस्क्रीट। But if you have such a large number of candies, you cannot count them. Oh, hale bhi discrete hi ne, but tusi hun unna nu count nahi kar sakde. So instead of taking them to be discrete,
you will take them to be continuous, just like sugar or salt. Salt ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੈਮ ਐਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ. ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਚਾਰਜ ਔਨ ਅ ਚਾਰਜਡ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਲਾਰਜ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ. 10^-6 ਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਰਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ with respect to the magnitude of elementary charge. Elementary charge ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਆ? 10^-19 ਕੂਲੰਬ. ਦੇਅਰਫੋਰ ਚਾਰਜ ਔਨ ਅ ਚਾਰਜਡ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਲਾਰਜ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਈ ਦੈਟ ਦ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਮੇ ਬੀ ਇਗਨੋਰਡ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ ਚਾਰਜ ਔਨ ਅ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ continuous, like sugar, water, paint, milk, so on. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਚਾਰਜ ਲਈ. ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਔਨ ਵੀ ਵਿਲ ਟ੍ਰੀਟ ਇਟ ਐਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ. For example, you can take example of anything which is continuous, like liquid. So let us suppose you apply paint. So paint can be applied on different things like stick, wall, and can be put inside a container. Jada paint hai onu tusi ik dande de utte vi kar sakde ho, paint nu tusi kise wall de utte vi kar sakde ho, jaan tusi paint nu kise container de vich pa sakde ho. Theek hai. So similarly, charge can be distributed accordingly. So how charge can be distributed, like one dimension, two dimension, three dimension? Kyunki apan example liti hai paint di, paint kis kis cheez te lag sakda hai? Example stick te, jo ki one dimensional hai, wall is two dimensional, and when it is put inside a container that becomes three dimensional. Similarly, charge jinu ki hun asin ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਰ ਆਰ ਥ੍ਰੀ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਔਰ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਥ੍ਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ. ਓਕੇ, ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੇਂਟ. ਹੁਣ ਪੇਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੇਂਟ ਔਰ ਐਨੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਡੈਂਸਿਟੀ. ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਚਾਰਜ ਔਨ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੋਰ ਸਰਫੇਸ, ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਐਂਡ ਫੋਰ ਵੋਲਿਊਮ, ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ. ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਥ੍ਰੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ. So let us discuss all these three one by one. So first is linear charge density. It is denoted by this symbol known as lambda. Linear charge density ki hai, jo density apan normal life de vich vartde ha, oh mass density hai. Kinna mass kinne volume de vich hai? Density is mass by volume. Isi tarike naal tode kol number density ho sakdi hai, number of particles divided by volume. ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਜੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਂਸਿਟੀ. ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੀਨੀਅਰ, ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਸਟਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ. So let us choose that we are choosing this stick of length L on which we need to spread charge equal to Q. ਤੁਸੀਂ Q charge spread ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮੰਨ ਲਓ Q charge ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 100 ਕੂਲਮ. ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਕੂਲਮ charge ਤੁਸੀਂ spread ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ spread ਹੋ ਜਾਏਗਾ? Stick ਦੇ ਉੱਪਰ in one dimension. Means total charge Q, for example, ਜੋ ਕਿ 100 ਕੂਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ spread ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ length ਦੇ ਉੱਪਰ. Okay, so charge Q is distributed over the length L of straight rod. So
linear charge density is, what is to be spreaded, that is total charge here, divided by what is available to you for spreading that quantity. So इथे की तुहाडे कोल अवेलेबल है टोटल लेंथ इन विच द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटड. सो दैट डिफाइन्स द लीनियर चार्ज डेंसिटी. सो लैमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज वॉज हेयर क्यू एंड टोटल लेंथ वॉज कैपिटल एल. सो लैमडा इज क्यू बाय एल. सो सिमिलर टू लैमडा वी हैव अनदर सेकेंड चार्ज डेंसिटी दैट इज डिफाइंड फॉर सरफेस एंड इट इज डिनोटेड एज सिग्मा. सो सिग्मा की होएगा टोटल चार्ज स्प्रेडेड ऑन अ शीट लेट अस से डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द शीट. शीट का की होएगा एरिया. ओके सो टोटल चार्ज लेट अस से दैट इज क्यू. सो क्यू चार्ज हेयर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज पॉजिटिव साइंस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द गिवन शीट. सो दैट विल डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी. And third one is your volume charge density. So volume charge density is denoted as symbol rho, and it is equal to total charge given to any type of volume. For example, you can take the simplest case of a cube. So here Q charge is filled in this box whose volume is capital V. इड़ा Q charge है, again मान लो 100 कूलम है, तो 100 कूलम charge नो आपां इस V volume दे डब्बे दे विच पर देता है, ठीक है? So rho is defined as total charge Q by total volume in which that Q charge is spreaded, distributed or contained. कोई भी word तुसी use कर सकते हैं. So these were the three charge densities for continuous distribution of charge. So this was all about the continuous distribution of charge and the related terms. Thank you.